थर्ड है ब्लाइंड हेमिंग। देखिए ब्लाइंड हेमिंग में टांके बहुत ही कम नज़र आते हैं और यह हेमिंग अलग तरीके से बनाई जाती है। देखिए ब्लाइंड हेमिंग करने के लिए सबसे पहले सुई को फोल्ड कपड़े में से नीचे से ऊपर की तरफ निकालेंगे इस तरह से। अब सिर्फ फोल्ड कपड़े में टांके लेंगे, देखिए इस तरह से। अब थोड़े से डिस्टेंस पे हम नीचे सिंगल वाले कपड़े में इस तरह से सुई को निकालेंगे और सिर्फ एक ही थ्रेड उठाएंगे नीचे के धागे का। अब थोड़े से गैप पे हम फोल्ड वाले कपड़े में से इस तरह से लेंगे। अब नीचे वाले सिंगल कपड़े में से हम लेंगे इस तरह से, नीचे वाले कपड़े का सिर्फ एक थ्रेड ही उठाएंगे। अब फोल्ड कपड़े में लेंगे ऊपर की तरफ इस तरह से। अब नीचे वाले कपड़े में लेंगे सुई को इस तरह से निकालेंगे। अब ऊपर के फोल्ड कपड़े में लेंगे हम और इस हेमिंग को करते समय टांकों का डिस्टेंस इक्वल रखेंगे। अब ऊपर वाले फोल्ड कपड़े में से लेंगे और एक बार नीचे वाले फोल्ड कपड़े में से लेंगे बराबर डिस्टेंस पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। एक बार फोल्ड कपड़े में से लेंगे ऊपर की तरफ और एक बार नीचे के सिंगल कपड़े में से लेंगे हम। देखिए ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है। इसमें सीधी तरफ बहुत ही कम टाँके दिखाई देते हैं और इसी तरह से हम पूरी हेमिंग कंप्लीट कर लेंगे अपनी। देखिए ये हमारी ब्लाइंड हेमिंग कंप्लीट हो गई है और ये हेमिंग ज़्यादातर जेंट्स गारमेंट्स में यूज़ की जाती है। फोर्थ है रोल्ड हेमिंग। इस तुरपाई को करने के लिए कपड़े को फोल्ड नहीं किया जाता। रोल्ड हेमिंग में कपड़े को आगे की तरफ रोल किया जाता है। अंगूठे और उंगली की सहायता से कपड़े के किनारे को आगे की तरफ इस तरह से फोल्ड किया जाता है और इसमें सिंगल धागे से तुरपाई करते हैं। देखिए पहले हम सुई को इस राउंड कपड़े में इस तरह से डालेंगे और नीचे वाले सिंगल कपड़े में से हम सुई को इस तरह से निकालेंगे। फिर सुई को हम ऊपर रोल कपड़े में इस तरह से डालेंगे। देखो सुई को हम इस तरह से रोल कपड़े में डालेंगे। इसी के जस्ट नीचे सिंगल कपड़े में से दो धागे उठाते हुए सुई को निकालेंगे। फिर हम सुई को रोल कपड़े में डालेंगे। सिंगल कपड़े में से हम दो धागे उठाते हुए सुई को निकालेंगे और ऊपर फोल्ड कपड़े में से हम सुई को इस तरह से लेंगे और आगे कपड़े को इसी तरह से रोल करते हुए तुरपाई करेंगे। इसमें हम टांके छोटे छोटे लेंगे। देखिए ये हमारी आगे की साइड है और ये हमारे पीछे की साइड है। देखिए इसी तरह से हम पूरी तुरपाई कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तुरपाई को ज़्यादातर साड़ी और दुपट्टे के किनारों को फिनिश करने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए ये तुरपाई कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारी रोल हेमिंग है। फिफ्थ है सर्कुलर हेमिंग। इस हेमिंग का यूज़ राउंड या कर्व शेप के किनारों को फोल्ड करने के लिए किया जाता है। ये हेमिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। देखिए इस तुरपाई को करने के लिए हमने कर्व शेप में कपड़ा लिया है। अब हम इस राउंड शेप में तुरपाई करेंगे। इसमें डायरेक्ट हम तुरपाई नहीं करेंगे, सबसे पहले हम कपड़े को आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। इसमें
परसों के टाँके या सिंपल छोटा कच्चा करेंगे। देखिए इसी तरह हम पूरे किनारे को फोल्ड करते हुए कच्चा करेंगे। धीरे धीरे इसी तरह से आगे हल्का हल्का टर्न करते जाएंगे। ये हमारी टेम्परेरी स्टिच है। लेट जब हमारी हेमिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसे लास्ट में खोल देंगे। और ये कर्व साइड भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए अब हमने पूरे में कच्चा कर लिया है। अब हम इसमें लास्ट में नॉट नहीं लगाएंगे कि अब जो हमने कच्चा किया था इसे हम धागे को हम हल्का हल्का खींचते हुए पूरे राउंड में चुन्नट डाल लेंगे। देखिए इसी तरह से हम पूरे में चुन्नट डाल लेंगे हल्की हल्की, जिससे हेमिंग करने में आसानी होगी। अब हमने पूरे में चुन्नट डाल लिए हल्की हल्की। अब हम इसे आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और प्रेस से एडजस्ट कर लेंगे। अब हम इस कपड़े को आगे की तरफ फोल्ड करते हुए प्रेस से सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से इक्वल इक्वल फोल्ड करेंगे। देखिए अब हमने पूरा प्रेस से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें सिंपल हेमिंग करेंगे जैसे हमने पहले की थी हेमिंग। ताकि इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे। देखिए ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है। इसी तरह इक्वल टांके लेते हुए पूरी तुरपाई कंप्लीट करेंगे। इसके लिए मैंने डिफरेंट कलर का धागा यूज़ किया है। आप जब भी बनाएं तो इसे इसके लिए मैचिंग का धागा यूज़ करें। देखिए अब हमारी तुरपाई कंप्लीट हो गई है। अब जो ये कच्चा किया हुआ है पर सूज के टांके लगाए हुए हैं इसे हम खोल देंगे। देखिए अब ये तुरपाई कंप्लीट हो गई है और ये हमारी सीधी साइड है। इस हेमिंग का यूज़ ज़्यादातर अम्ब्रेला कट फ्रॉक में और अम्ब्रेला कट गाउन में किया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल राज क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।